हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग नंबर 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं नहा धोवा के तैयार हो गया हूँ थोड़ा मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो अभी हम लोग पहुँच गए थे रेड़मा चौक। यहाँ से मैंने बेसन के लड्डू लिए 1/2 kg, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वहाँ पर चढ़ाया भगवान जी को, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए काली मंदिर के पास। बाहर का नज़ारा आपको भी निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नीचे। आप लोग हमारी काली माता विराजमान है। आप देख सकते हैं वहाँ पर पंडित जी हमारे यहाँ रहना चौक मंदिर पुजारी जो लोग रहते हैं। फिर हमने अपना नारी लिए सबसे बहुत ही अच्छे से तिलक देते हैं, क्योंकि मैं डाल छूट कर आराम बत्ती को जला देता हूँ। देखिए अगरबत्ती जलाते हैं, बत्ती जलाने के बाद मैं चलता हूँ को पहले काली माता को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसके बाद मैं जाता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ राधा कृष्ण को। उसके बाद मैं पूरा राधा कृष्ण के बाद पूरे जितने भी शंकर भगवान के शिवलिंग हैं और स्थापना है सारे उसको दिखाता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस, थोड़ा एक टीवी लेना है सोनी का, तो उसको देखते हैं आदित्य विजन में जाके। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। रख ले रही हाथों में इसके अंदर आ गए। देखते हैं लोग सोनी का 55 इंच का टीवी और 65 इंच का टीवी, जो बहुत ही सुंदर रहता है। लेकिन 55 इंच वाला अच्छा रहता है, 65 इंच वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 55 इंच वाला सही है। अब भाई वो चेंज बोले थे तो बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे देखिए आदित्य विजन वाला वगैरह लगा हुआ था, बहुत सारा सामान था। अरे यार मामा बोले फिर हम लोग को लग गया था भूख, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाते और 11 बज गया था। तो कन्हैया निकल गए थे सामने वाले होटल में लिट्टी खाने। यहाँ पे लिट्टी बहुत फेमस था, लिट्टी और छोला। चलिए धन्यवाद।